हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं बेसन का डोसा। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बिल्कुल बारीक वाला बेसन लिया है। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन है तो एक बार उसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें उसे, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। ये मैंने आधी कटोरी लिया है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है। इससे तीन डोसे बनकर तैयार होंगे। इस आधी कटोरी बारीक बेसन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच सूजी। सूजी थोड़ा सा डोसे को क्रिस्पीनेस देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 3 चम्मच दही। ये दही 2 से 3 दिन पुराना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है। आप चाहे तो फ्रेश दही हो तो 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं, या फिर 3 चम्मच दही भी इनफ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसन आधी कटोरी ही लिया है। दही को पहले अच्छे से फेंट लें, उसके बाद इसे इस बेसन के अंदर डालें। अब इसी कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा और पानी लेंगे, उसके बाद इस बैटर के अंदर डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए जहाँ तक हो सके आप विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करें, क्योंकि आप किसी भी बैटर को विस्कर की हेल्प से मिक्स करते हैं तो वो चम्मच से ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही फास्ट मिक्स होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं रहता है। ये देखिए, अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करते जाना है और पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए, हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और विस्कर से बहुत ही अच्छे से बैटर मिक्स हो जाता है चम्मच के कंपेरिजन में। चम्मच से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड करी है और दही डालने से ये काफ़ी फ्लफी सा, काफ़ी स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी होता है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम नमक, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन बहुत कम लिया है इसलिए। अब एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं तो। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, लगभग 1 इंच के करीब हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, ताकि हमारे डोसे जो है बहुत ही अच्छे बने। ये देखिए, लगभग 1 इंच के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है और उसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बैटर को पहले ही बहुत अच्छे से पोरिंग कंसिस्टेंसी में बनाया है, इसीलिए अब हम और ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है, इससे हमारे डोसे जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे, पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है हमारा। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है और आपको भी नॉन स्टिक पैन ही लेना है, इससे कि आपके डोसे ख़राब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। जैसे आपका पैन हल्का सा गर्म हो जाए, इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पानी। पानी स्प्रिंकल करने से आपके जो तवे का टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम भी नहीं करना है। टिश्यू पेपर या फिर किसी भी साफ कपड़े से आप पहले तवे को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें। अब इस टाइम पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, हमारा तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है। बस उसी टाइम पर आपको इसमें थोड़ा सा बैटर डालना है और इस तरह से चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए जाना है, बहुत ही हल्के हाथ से। ये काम आप बहुत ही हल्के हाथ से करना है आपको, क्योंकि अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका डोसे का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा और कोई बात नहीं, और आपका डोसा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा। इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इवनली इसे चारों तरफ से स्प्रेड करें, बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए। एक जैसा इसकी थिकनेस होनी चाहिए, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल प्रॉपर है, मैंने अच्छी तरीके से इसे घुमाया है। जैसे ही ऊपर से इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे, आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें,
ब्रश की मदद से, और इसके साइड्स में बहुत अच्छे से थोड़ा ऑयल लगाएं ताकि इसकी साइड्स निकालने में आसानी हो। देखिए, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपका डोसा जो है इस तरह से हल्का हल्का सा पेन छोड़ने लगेगा। बस उसी टाइम पे आप इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान से स्पैचुला की हेल्प से इसे निकालने की कोशिश करें। अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप 1 से 2 मिनट और रुक जाएं। इस टाइम पर गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। जब आप इसे सेक रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने आसानी से, कितने अच्छे से निकल चुका है। आप इसे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें, ये खुद ही पेन छोड़ने लगे तभी आपको इसे निकालना है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अवेलेबल नहीं है तो अगर आपके पास सीज़वाइन चटनी है तो आप इसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा सा तीखा, चटपटा, मीठा सा कुछ ऐसा होना चाहिए, या सीज़वाइन चटनी या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करके डालने वाले हैं ये पनीर। ये पनीर मेरा घर का बनाया हुआ पनीर है। आप अपने श्रद्धानुसार जितना चाहें इतना इसके ऊपर पनीर डाल सकते हैं, आपको जितना भी पसंद है। पनीर डालने के बाद हमें डोसे को और नहीं पकाना है, पहले ही आप डोसे को बहुत ही अच्छी तरह से पका लें जितना आपको क्रिस्पी रखना है। ये देखिए, जैसे आपने इसके ऊपर पनीर डाला, बस फटाफट से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे तवे से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर इस पर धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही धनिया कट करके नहीं रखा था और हमारा डोसा जो है प्रॉपर तरीके से सिक चुका है, इसलिए अब मैं सेकेंड डोसे में धनिया डालकर आपको बता दूंगी। अभी मैंने इसके अंदर नहीं डाला है, बस इसे फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितना अच्छा बना है। ये देखिए, फिर से हमें तवे के ऊपर इस तरह से पानी स्प्रिंकल करना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है फिर से, और इस तरह से इसे कपड़े की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब हमें तवे को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही बार हमें इसे ऑयल लगाना होता है फर्स्ट टाइम बस। अब ये सेकंड वाला डोसा बना रहे हैं हम लोग। इस तरह से मैंने 2 चम्मच छोटी चम्मच इस तरह से इसके ऊपर डोसा बैटर डाला है और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपको राउंड राउंड घुमाते हुए जाना है। फर्स्ट डोसा बनने के बाद सेकेंड थर्ड डोसे जो हैं एक के बाद एक डोसे आपके और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपका तवा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। जैसे जैसे आप डोसे बनाते जाएंगे आपके डोसे और भी ज़्यादा परफेक्टली बनेंगे। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से आपको चारों तरफ अच्छे से एक जैसी इसकी मोटाई रखनी है। ये देखिए, आप इसके ऊपर छेद देख सकते हैं, इसके सिकने की पहचान आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको छेद दिखाई देने लगेंगे। और उसके इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ऊपर से इसे अच्छे से ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर, डोसे के ऊपर। और ऑयल लगाने से ये बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे दोनों तरफ से सिकने लगेगा और इस तरह से पेन छोड़ने लगेगा। ऑयल लगाने से आपका डोसा और भी अच्छा कलर लाता है और अच्छी तरह से सिक जाता है। कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या फिर सिज़वान चटनी अप्लाई करेंगे, अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए नीचे उसके बाद। क्योंकि ये सॉस लगाने के बाद और पनीर डालने के बाद हम इसे और नहीं सेकते हैं इसलिए, और जब आप इसे नीचे से सेकते हैं उस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम करना होता है। बस पनीर डाल दिया है मैंने इसके ऊपर, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता जो कि मैंने फर्स्ट वाले डोसे में नहीं डाला था। ये देखिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल दें जिससे कि आपका डोसा जो है दिखने में भी और काफ़ी सुंदर लगे। इसको देखकर ही आपके बच्चों के मुंह में पानी आ जाएगा और हर रोज़ वह इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। आप ये अपने बच्चों को उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजीली बनने वाली रेसिपी है ये। ये बेसन का डोसा फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए बनाएं या फिर अपनी छोटी भूख में, ये हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपका डोसा कैसा बना है, और इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।